हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है दोस्तों क्लास फिजिक्स में आज का टॉपिक है दोस्तों एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने के ताप में रूपांतरित करना है मतलब दोस्तों डिग्री सेल्सियस को केलमिन में बदलना हो या डिग्री सेल्सियस को र्यूमर में बदलना हो या डिग्री सेल्सियस को फेरेन में बदलना हो या फेरेन को अन्य किसी में बदलना हो तो दोस्तों इनको अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि माइनस तो और काफी महत्वपूर्ण है और दोस्तों ना केवल क्लास के लिए यार ये हर एक कंपटीशन लेवल जैसे रेलवे की तैयारी करते हैं ना आगे चलकर एसएससी है बैंक है पीओ जो भी दोस्तों जहां साइंस सब्जेक्ट रहता है जीके में वहां दोस्तों डेफिनेट रूप से क्वेश्चन आता है इसलिए आप भी इलेवंथ में ना तो इसे तो तैयार कर ही लीजिए आपके लाइफ टाइम में काम आने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा मैं चारों पैमानों का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं आपके पास चार पैमाने में शॉर्टकट में लिखता हूं एक तो डिग्री सेल्सियस ठीक है दोस्तों दूसरा है आपके पास फायर ठीक है तीसरा दोस्तों र्यूमर और चौथा है आपके पास केलविन हैं, क्लियर दोस्तों इस जो पैमाने का खंड बटा होता है दोस्तों वो सौ भागों में होता है जीरो से लेकर सौ तक होता है ठीक है क्लियर ये दोस्तों जो फायर है एक सौ भागों में होता है एक भागों में डिवाइड स्टार्टिंग दोस्तों से होता है और तीन सौ बारह तक होता है क्लियर है याद रखिएगा र्यूमर पैमाना दोस्तों ये जो र्यूमर पैमाना है 80 भागों में है जीरो से स्टार्ट होता है और अस्सी र्यूमर तक रहता है केल्विन दोस्तों ये भी सौ भागों में होता है लेकिन ये होता है दो सौ तिहत्तर कहा से स्टार्ट होता है दो सौ तिहत्तर पॉइंट वन फाइव केलविन से और दोस्तों तीन सौ तिहत्तर सौ so, भागों में डिवाइड होता है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये अंतिम पॉइंट है. ठीक है कहने का मतलब दोस्तों यदि डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जल का हिमांक जीरो डिग्री सेल्सियस और कोथनाक दोस्तों सौ डिग्री सेल्सियस फेरेनाइट में बात करूं तो जल का हिमांक बत्तीस फेरेनाइट और क्वनांग तीन फ़ारेनहाइट बारह फेरनहाइट यदि दोस्तों र्यूमर पैमाने की बात करूं तो जल का हिमांक जीरो र्यूमर है ना और दोस्तों क्वनांग जो है अस्सी र्यूमर होता है यदि केल्विन की बात करूं दोस्तों तो जल का ए, मतलब जो हिमांक होता है दो केल्विन जबकि दोस्तों जल का कोथनांक तीन सौ तिहत्तर होता है चीजें क्लियर हो गई मेरे भाई मैंने कहना क्या चाहा मैंने चाहा दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस फेर एंड हाइट त्रियुमर पैमाना केल्विन में स्टार्टिंग प्वाइंट कहाँ और अंतिम पॉइंट कहाँ इसका स्टार्टिंग प्वाइंट अंतिम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट और इनको कितने कितने भागों में बांटा गया है तो डिग्री सेल्सियस को सौ भागों में केल्विन को भी सौ भागों में फेराइट को एक सौ अस्सी भागों में और र्यूमर को अस्सी भागों में बांटा गया है तो अब देख लेते हैं दोस्तों की आपका क्या है फार्मूला कैसे फार्मूला निकालेंगे तो ये फार्मूला आपका दोस्तों एक पैमाने पर ताप आधो बिंदु मतलब ऊपर का बिंदु सॉरी नीचे का बिंदु और दोस्तों ऊर्द बिंदु बिंदु मतलब क्या होता है ऊपर का बिंदु फिर आधो बिंदु फिर दूसरे पैमाने को लेकर चलेंगे चलिए एक पैमाने का ताप हमने सेल्सियस सेल्सियस को लिया Celsius का प्रारंभिक दोस्तों आधो मतलब प्रारंभिकंदु सौ था और दोस्तों आधो बिंदु जीरो था बराबर करें दूसरा पैमाना लेके चलते हैं फार है। सबसे निम्न बिंदु दोस्तों आधो बिंदु बत्तीस था ठीक है उर्ध बिंदु कितना है मेरे भाई दो था और अधो बिंदु पुनः बत्तीस तीसरे पैमाने को लेकर चलो मेरे भाई तो रिमर पैमाना जीरो से होकर चलता है अस्सी पर समाप्त होता है क्लियर यदि केल्विन की बात करूं तो दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच से स्टार्ट होता है और तीन सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच पर समाप्त होता है क्लियर ये चीजें हो गई आपकी फार्मूला इसको और शार्ट कट यदि बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं तो देखिएगा देखिएगा दोस्तों यहां पर सी अपन हंड्रेड कर दू क्यों क्योंकि तो यहां जीरो का को कोई वैल्यू ही नहीं है यहां एफ माइनस थर्टी टू और इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे मतलब यानी माइनस करेंगे सॉरी माइनस करेंगे तो दो सौ बारह में यदि बत्तीस घटाएंगे तो एक सौ अस्सी आएगा क्लियर है आर में जीरो घटाएंगे तो आर ही रहेगा ये अस्सी ही रहेगा क्लियर अब इसमें दोस्तों के माइनस यहां पर दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच बटे दोस्तों यदि दोनों में घटाएंगे तो सौ आएगा तीनों में से दोस्तों यदि मैं जीरो हटा दूं या किससे काट दूं बीस से काट दूं देखना बीस तो बीस पंचे सौ ठीक है और दोस्तों ये कितना बार जाएगा तो नौ बार जाएगा बीस का नौ से गुड़ा करोगे तो एक सौ अस्सी आएगा यह कितने बार जाएगा दोस्तों तो चार बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा तो के माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच बटे दोस्तों बीस पंचीस सौ ये आपका फार्मूला आ चुका है इसी फार्मूले के सहायता से मेरे भाई किसी भी डिग्री सेल्सियस या किसी भी पैमाने को दूसरे पैमाने के ताप में बदल सकते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जैसा आपका पहला है मान के चलते हैं कि माइनस तिहत्तर डिग्री सेल्सियस कोल केल्विन में, के, में बदलना है ठीक है ठीक है केलबिन में दोस्तों यहां पर थोड़ा सा तो तेहत्तर डिग्री सेल्सियस माइनस तेहत्तर डिग्री सेल्सियस को हम किस में बदल रहे हैं मेरे भाई केल्विन में तो चलो देखो भाई देखो कौन कौन से पैमाना लेकर चलेंगे एक तो डिग्री सेल्सियस का है तो यहाँ पर सी अपान फाइव ले लें और एक केल्विन का है तो के माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच बटे पांच पांच से पांच कैंसिल हो गया और डिग्री सेल्सियस का मान रख दें माइनस तिहत्तर डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच हो गया क्लियर दोस्तों यदि इसको हम पक्षांतर कर दें तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच माइनस तिहत्तर डिग्री सेल्सियस बराबर के तो के बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा दो सौ तिहत्तर में तिहत्तर घटा दो तो दो सौ डिग्री दशमलव एक पांच केलबिन ये दोस्तों आपका आ गया के में मतलब माइनस तिहत्तर जो डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन में दोस्तों लगभग दो सौ केलबिन के बराबर है क्लियर है चीजें समझ गए ना बहुत ही आसान है कितनी भी दो पैमाने को हम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों जैसा कि मैं कोई एक लेके चलता हूं देखिएगा आपके पास कोई भी है दोस्तों जैसे मैं ले, लेता हूं आ, 100 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में तो चलो फारेनहाइट लो ये डिग्री सेल्सियस और फेर तो फार्मूला क्या आपका सी अपॉन फाइव इक्वल एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ठीक है बैलू रखो दो भाई डिग्री सेल्सियस सौ को कर रहे हैं और ये हो जाएगा बटे पांच पांच से काटो पंचाय का सौ फिर इसको यदि आप इधर करोगे मल्टीप्लाई तो न दूनी अठारह एक सौ अस्सी बराबर एफ माइनस थर्टी टू ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो तीन सौ बारह फेराइट आ गया मानवीर भाई डिग्री सेल्सियस सौ था और फेरेन में आ गया आपका सॉरी दो सौ बारह कितना दो सौ बारह तो इस प्रकार से आप डिग्री सेल्सियस को फेरेन में बदल सकते हैं या फेरेन को यदि डिग्री सेल्सियस बदलना हो तो बिल्कुल बदल सकते हैं आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए मैं यदि कह देता मेरे भाई कि आपके पास है सत्तर फेरेन है ठीक है इसको केलबिन में बदलना है केलबिन में ठीक है तो देखो जिन चीज को लेना है दोस्तों उन दोनों का रिलेशनशिप ले लेना है जैसे यहां पर हमको आर को केल्विन बदलना है सॉरी फेरेनाइट को केल्विन में तो इसको और इसको लेके चलेंगे क्लियर है ना चाहे भले कितना टफ आ जाए कठिन आ जाए तो हम लेके चलेंगे जैसे यहाँ पर एफ माइनस थर्टी टू डिवाइड बाय नाइन और दोस्तों दो के माइनस यहां दो सौ तेहत्तर लेके चलते हैं दस तो हम लोग को हटा देते हैं ताकि आसानी हो कैलकुलेट करने में ठीक है ये लेकर चला हमने अब फेरेनाइट दे के रखा है तो सत्तर माइनस थर्टी टू है ना बाय नाइन और के माइनस टू सेवेंटी थ्री फाइव इसको डिवाइड करें दोस्तों तो में, दस में दो गए जाएगा आपका अब इसको पहले डिवाइड करेंगी फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों काटिए नौ चौको छत्तीस हो जाएगा है ना दो बचेगा नौ दूनी अठारह फिर दो बचता जाएगा दोस्तों क्लियर है नौ दुनी अठारह और पांच का मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद के माइनस टू सेवेंटी थ्री कैलकुलेट करिए तो पांच दूनी दस पांच दूनी दस एक गेर है पांचों को बीस और बीस एक इक्कीस और दोस्तों ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा दो सौ तिहत्तर बराबर केल्विन तो इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो पॉइंट टेन ही आएगा और इसको यदि जोड़ देते हैं तो फोर एट सॉरी सॉरी जोड़िए दोस्तों कितना हो जाएगा फोर और कितना नाइन टू पॉइंट टेन ये आ गया केल्विन में क्लियर तो ये आपका केल्विन में चेंज हो गया ठीक है ना चलिए एक और कुछ भी अपन करके देख लेते हैं दोस्तों जैसे मैं यदि कह दू आपके पास है र्यूमर पैमाना में देके रखा दोस्तों कि पैतालीस र्यूमर पैमाना है को डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए तो बस दोनों खंड को आपको लेना है र्यूमर पैमाना क्या होता है और डिग्री सेल्सियस सी अपान होता है फाइव डिग्री सेल्सियस का और र्यूमर पैमाना कितना होता है मेरे भाई आर अपान फोर ठीक है कैलकुलेट देखिए फार्मूले से आप लोग याद रखना भाई जो जो हमको जरूरत चाहिए इसको इसको आवश्यकता है मतलब इन दोनों चीज इन दोनों के बीच रिलेशनशिप करना है तो इन दोनों को ले लेना है ये तो बहुत आसान है यार हमने कितना लिया पैंतालीस तो आर के जगह कर देते हैं पैंतालीस ठीक है तो सी अपान फाइव इक्वल फोर्टी फाइव अपान फोर दोस्तों इसको कैलकुलेट करोगे तो पांच का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिवाइड करोगे पैतालीस में चार का तो चार एकम एक चार एक कम चार एकम एक चार और फिर बचेगा दोस्तों एक तो चार दूनी आठ चार पंचा बीस ठीक है इसको कैलकुलेट करोगे तो सी बना हो जाएगा पचम पच्चीस पांच दूनी दस दो बारह पांच एक कम पांच पांच एक छ पांच एक कम पांच ये आगे दोस्तों आपका ये आगे छप्पन दशमलव पच्चीस मतलब दो पांच डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये ज्यूमर पैमाना का अपने डिग्री सेल्सियस में भी बदलना सीख लिया तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा यार और अच्छे से तैयारी कर लेना ठीक है आपकी जिंदगी तक काम में आने वाला है आप ना केवल इलेवंथ क्लास में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपके में आने ही वाला है लेकिन दोस्तों कभी भी आप कहीं भी पढ़ो यार तो ये आपको काम में आएगा ठीक है तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा और लगे अच्छा तो लाइक कर देना और दोस्तों साथ शेयर करना नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइक प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलते दोस्तों मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए जय हिंद मातरम